नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह, विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि गिफ्ट डीड यानी दान पत्र और रिलीज डीड यानी हक त्याग पत्र में क्या अंतर है, इस दोनों में कौन सबसे बेहतर आपके लिए होगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे समाज में कि अधिकांश परिवार में लोग एक दूसरे को संपत्ति दान कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे के प्रति हक त्याग भी करते हैं। तो हक त्याग का प्रपत्र जो है उसमें और गिफ्ट डीड में यानी दान पत्र में और हक त्याग प्रपत्र में क्या अंतर है, आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करें। दोस्तों, गिफ्ट डीड का मतलब हुआ कि वह प्रपत्र, वह दस्तावेज जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या परिवार का बाहर का सदस्य हो, अपनी संपत्ति का दान कर देता है। दोस्तों, रिलीज डीड का मतलब हुआ, हक त्याग प्रपत्र का मतलब हुआ वह दस्तावेज जिसमें परिवार का ही कोई सदस्य अपने हिस्से की संपत्ति जो उसे विरासत से मिली है अपने ही परिवार में किसी अन्य व्यक्तियों के प्रति अपना हक त्याग कर देता है। आइए दोस्तों, अब इसमें हम बारी बारी से समझें कि इस दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, गिफ्ट डीड का मतलब हुआ कि आप अपनी संपत्ति को अपने परिवार में या किसी अन्य व्यक्ति को बिना कोई प्रतिफल लिए, बिना कोई कंसिडरेशन के दान कर देते हैं। दोस्तों, रिलीज प्रपत्र का मतलब हुआ कि आप अपने हक को, जो विरासत से मिली हुई संपत्ति है, उसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के प्रति अपने हक का त्याग कर देते हैं। ये पहला अंतर दोनों में है दोस्तों। दूसरा है अंतर दोस्तों, गिफ्ट डीड में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, यानी आप जिसे संपत्ति दान देते हैं उसके बदले में वह जो दानग्राही है उसके बदले में आपको कुछ नहीं देता। लेकिन दोस्तों, रिलीज डीड के अंदर में जो हक त्याग विलेख है, हक त्याग प्रपत्र है, उसके अंदर में अपनी संपत्ति का, अपने विरासत से मिली संपत्ति का जो शेयर आपका है वो अगर किसी के पक्ष में हक त्याग कर देते हैं तो उसके बदले में उससे आप दूसरा जमीन भी ले सकते हैं, कोई दूसरी संपत्ति भी ले सकते हैं जो वो भी अपना हक त्याग कर दे, या दोस्तों बिना कोई चीज़ लिए हुए भी आप हक त्याग कर सकते हैं। यानी रिलीज डॉक्यूमेंट जो है उसमें प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब तीसरा आए दोस्तों, रिलीज डीड जो है, हक त्याग प्रपत्र, वो सिर्फ आपके विरासत के संपत्ति का होता है दोस्तों, खरीदी संपत्ति का नहीं, आपके सेल्फ एक्वायर संपत्ति का नहीं। दोस्तों, उसमें जो आपका शेयर है, जो विरासत से मिली हुई संपत्ति है, उसी शेयर को आप दान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन गिफ्ट डीड के अंदर में आपके विरासत से मिली हुई संपत्ति में आपका शेयर, या दोस्तों आप कोई संपत्ति खरीदे हैं उसे भी आप दान कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को। चौथा अंतर है दोस्तों कि गिफ्ट डीड में कोर्ट फीस बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, यानी एटलीस्ट पूरे प्रॉपर्टी का 10%। लेकिन जो रिलीज डीड है, हक त्याग प्रपत्र जो है दोस्तों, उसके अंदर में स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन की जो ड्यूटी है, जो आप रजिस्टर्ड करवाएंगे सब रजिस्ट्रार के यहाँ, उसका ड्यूटी का चार्ज जो है, या जो स्टाम्प की ड्यूटी है, स्टाम्प पर जो आपका खर्च बैठता है, वो बहुत कम है दोस्तों। आप अपने हक के त्यागने में लगभग 1,000 रुपये के दस्तावेज पर ही आप अपना हक त्याग करके उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप याद रखेंगे, हक त्याग प्रपत्र का या दान प्रपत्र का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में ही हक त्याग यानी रिलीज डीड जो बनाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में बिना रजिस्ट्रेशन के भी वेस्ट बंगाल के लोग, पश्चिमी बंगाल के लोग, वो अगर चाहे तो अपनी संपत्ति को किसी के प्रति अपना हक त्याग कर सकते हैं। किसी मतलब कौन, अपने परिवार का सदस्य, यानी ब्लड रिलेशन दोस्तों। अब दोस्तों, गिफ्ट डीड का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यानी गिफ्ट आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं, परिवार से बाहर भी किसी को दान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिलीज डीड के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैतृक संपत्ति का अपने ही परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग कर सकते हैं, उसे रिलीज कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो उसके बदले में उससे दूसरे जगह जमीन ले ले, वो भी अपना हक त्याग आपके प्रति कर देगा। इससे आप समझे दोस्तों कि गिफ्ट डीड और रिलीफ डीड में क्या अंतर है। दोस्तों, मूल अंतर आपको जो फायदा होने वाला है रिलीज डीड में, वो ये कि इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज और उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है वो बहुत कम लगता है दोस्तों। गिफ्ट डीड की अपेक्षा गिफ्ट डीड में बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए जहाँ तक मेरा समझ हुआ कि गिफ्ट डीड की अपेक्षा अपने परिवार में संपत्ति को ट्रांसफर करने का सबसे बेहतर तरीका है रिलीज डीड। हाँ दोस्तों, एक आदमी मेरे पिछले वीडियो में एक प्रश्न किए थे, जो मेरे रिलीज डीड पर वीडियो था,
कि क्या एक से अधिक व्यक्ति भी अपने परिवार में अपने अपने हक का किसी व्यक्ति के प्रति त्याग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक या एक से अधिक व्यक्ति भी अपने अपने पारिवारिक हक का जो पैतृक संपत्ति में मिला है अपने ही परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपना हक त्याग कर सकते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि गिफ्ट डीड की अपेक्षा रिलीज डीड क्यों इतना आसान है, क्यों इतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का काफ़ी बचत होता है। अगर 1 लाख की संपत्ति है तो गिफ्ट डीड में कम से कम 10,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लग जाएगा, लेकिन रिलीज डीड में मात्र 1,000 रुपये में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिनी तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो बने आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने संबंधी और अन्य जगह पर भी शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को अपने संपत्ति का त्याग करना है या दान करना है, वो सिर्फ त्याग प्रपत्र ही बनाए, दान पत्र नहीं। दान प्रपत्र में खर्च अधिक लगता है दोस्तों, यानी गिफ्ट डीड की अपेक्षा रिलीज डीड जो है वो परिवार में संपत्ति ट्रांसफर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों धन्यवाद।